हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ टाटा स्टील शेयर के बारे में। शेयर में अंत के टाइम जाते जाते देखने को मिल रही है एक तेजी, और एक साथ ही साथ स्पाइक के साथ मेटल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू आप सभी से कह रहा हूँ कि टाटा स्टील में 1350 तक का मूव आना चाहिए और 1280 के लेवल से आपको रिकमेंडेशन आ रही है। और देखिए गाइस, स्टॉक वहीं की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है अब ये मंडे या ट्यूसडे तक आपको 1350 का जो मेरा टारगेट था वो अचीव होता हुआ दिख सकता है। गाइस, आज के दिन भी तेजी तो बनी है स्टॉक में, बट वो वाली तेजी नहीं बनी और ना ही वॉल्यूम्स आते हुए दिखे हैं। देखिए, मैं आपसे काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, जब स्टॉक गिर रहे थे तब भी मैंने आपसे एक दिन कहा था कि आज गिरावट है बट स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं है, तो ऐसे में हम बाय कर नहीं सकते और सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि संकेत पूरे पूरे नहीं आ रहे थे। लेकिन नेक्स्ट डे जब शेयर में कहीं ना कहीं आपको फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिला था, तब आप सभी के साथ शेयर करी थी मैंने, अब पॉजिटिविटी आनी चाहिए स्टॉक में और बाय करके जाना चाहिए। 1280 पे शेयर ट्रेड कर रहा था, 1322 पे आ चुका है, और 1340 से जो 1350 के टारगेट थे वो कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिख सकते हैं आने वाले एक से दो दिन में। देखिए गाइस, ऐसे में अगर किसी ने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो उसे क्या इन स्तरों पे पोजीशन बनानी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, और वेट करना है तो कौन से होंगे बेस्ट लेवल बाइंग के लिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। देखिएगा, इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो स्टॉक 1324 पे ट्रेड कर रहा है, 1280 का आज का भी लो है, यानी कि अगर किसी ने नहीं करा तो आज भी उन्हीं स्तरों पे आपको मिला था जहां पे रिकमेंडेशन थी स्टॉक में। सुबह सुबह नेगेटिव ट्रेड कर रहा था लेकिन उसके बाद शार्प मूव आता हुआ दिख रहा है। पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू अगर आप देखें तो सेकंड हाफ में मेटल स्टॉक एक्टिव होते हुए दिख जाते हैं। देखिए, आज के दिन कहीं ना कहीं एनएमडीसी मेटल सेक्टर को काफी ज्यादा तेजी से लीड करता हुआ दिख रहा है, गिरावट को भी यही लीड करता हुआ दिखा था, 3.5% तेज है एनएमडीसी की बात करें तो। एनएमडीसी में भी काफी पब्लिक बहुत ऊपर के लेवल से ट्रैप हो गई है। देखिए, स्टॉक में केवल और केवल एक ही लेवल है, एनएमडीसी की बात कर रहा हूं 140, इसके नीचे जाते ही स्टॉक वीक हो जाता है, और इसके ऊपर जब तक है तब तक पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए और तेजी आ सकती है। ट्रेंड पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म का, लेकिन मीडियम टर्म में काफी ज्यादा बीच में रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, जैसे 165 पे, 156 पे, जैसे ऐसे ब्रेक करेगा ऊपर के लेवल्स खुलते जाएंगे। बट हाँ, स्टॉक किसी के पास है तो पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, मेटल शेयर कहीं ना कहीं दोबारा से रैली को लीड करते हुए देख सकते हैं आपको। ऐसे में टाटा स्टील पे तो मैंने आप सभी के साथ जो टारगेट शेयर कराया वो 1350 का पहला टारगेट है, जहां पे मुझे लगता है स्टॉक आपको इजीली जाता हुआ दिखना चाहिए। देखिए, स्टॉक के बारे में बताऊं मैं आपको, अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो आपको किन स्तरों पर पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब आप पोजीशन बनाओगे, क्योंकि कुछ टाइम से आप 1250 1270 पे देख रहे हैं और अभी एकदम से यहां देखेगा तो आपको लगेगा बहुत बढ़ चुका है, तो अभी आप पोजीशन नहीं बना पाओगे। और मैं भी यही कहूँगा कि आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। देखिए, हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए स्टॉक, ऊपर के लेवल्स दिखा दे और आप बाय ही ना कर पाओ, ये भी पॉसिबल है, बट आप कहीं और अपना स्टॉक ढूंढ के बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा आपको बाय करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी दूर जाके जाएगी 1350 का जो टारगेट है, वहाँ आने के बाद 1400 के पास एक रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा स्टॉक, और 1440 के ऊपर अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल जो कि ब्रोकरेज हाउस के टारगेट हैं 1800-1900, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। बट उससे पहले कोई पॉजिटिविटी नहीं है स्टॉक में, स्टॉक न्यूट्रल है, बस मोमेंटम प्ले कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि वॉल्यूम के साथ बाइंग भी नहीं आ रही है, बाइंग आ रही है बस। तो ऐसे में अगर किसी के पास पोजीशन है तो वो यहाँ से करीब करीब 1-1.5% की तेजी के लिए होल्ड करे अभी अपनी पोजीशन को, अभी प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करे। JSW स्टील की बात करूँ तो 700 रुपये पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक कि उसके पार निकलना तो इसके लिए लक्ष्मण रेखा की तरह हो गया है, 700 का लेवल ऐसा लग रहा है। 700 पे दो अटेम्प्ट कर चुका है, एक भी बार क्लोजिंग नहीं देता हुआ दिखा, इनफैक्ट 702 तक जाता है और तुरंत नीचे गिर रहा है, 700 के ऊपर टिकने में ही संभव नहीं, बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहा है स्टॉक। तो इसमें तो 700 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद ही हम बाय इनिशिएट करेंगे, और 1-1.5% की अगर कोई मूव चाहता है तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो मेरे हिसाब से आपका कुछ मतलब 690-695 ये मैक्सिमम लेवल्स आ जाते हैं, जो कि 2% के करीब हो जाएगा। तो फ्रेश एंट्री के लिए 675 के अराउंड आप बना सकते हैं इसमें एंट्री, और 690 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। 700 के ऊपर निकलने के बाद शेयर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, आप अपनी पोजीशन को वहां से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। और 700 रुपये की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं, 700 के ऊपर सस्टेन करें तब भी थोड़ा देख लीजिए तो भी आप बाय इनिशिएट करते हैं, बट क्लोजिंग अगर 700 के ऊपर जाएगी तो मुझे लगता है बड़ी तेजी बनेगी JSW स्टील में। काफी बड़ी गिरावट आई थी मेटल
स्टॉक में आप सभी को याद होगा 8,750 वाला JSW स्टील आपको 650 पे आता हुआ दिखा था, इनफैक्ट 620 तक के लो लगे थे। टाटा स्टील 1500 वाला शेयर आपको 1,250 रुपए पे आता हुआ दिखा था, इनफैक्ट 1220 तक गया था। तो बहुत बड़ी गिरावट आई थी इन स्टॉक में, लेकिन तेजी भी वैसे ही बन सकती है। ओवरऑल अभी व्यू पॉजिटिव हो रहा है बट फॉर अ शॉर्ट टारगेट एंड शॉर्ट टर्म। बट अगर किसी को फ्रेश एंट्री बनानी है तो डिप के लिए वेट करें या फिर ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने का वेट करें। ये मेरी वीडियो टाटा स्टील, NMDC और JSW स्टील पे, होप आप सभी को पसंद और समझ दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।